पार्किंग एरिया में जहाँ पे दिल्ली दंगों के दौरान इस मतलब बहुत बुरी तरह इसको जलाया गया था, तोड़फोड़ हुई थी, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे तोड़ी गई थी। मेरे साथ इसके ओनर गजेंद्र परिहार जी। तो गजेंद्र जी, मतलब उस वक्त जिस तरह से नुकसान हुए थे और सबने देखा, हम लोगों ने भी चलाया उसको जो है, तो आप जब आपका नुकसान हुआ था तो मतलब किस तरह से क्लेम वगैरह किया, कुछ मिला क्लेम? अभी क्लेम तो बिल्कुल ना के बराबर मिला है, उसकी कोई उम्मीद भी नहीं है क्लेम मिल जाए। खुद अपना आप ही पैसे लगा रहे हैं धीरे धीरे जो कमा कर। मतलब जो गाड़ियां वगैरह टूटी थी उनको कुछ मिला, वो कैसा क्या हुआ? उनको कोई क्लेम नहीं मिला, वो अपनी गाड़ी ले गए निकाल कर। गाड़ी ले गए, उनको नहीं मिला। तो आपने लगभग कितना क्लेम किया था, कितना मिला आपको? मुझे 50,000 मिला है बस। सिर्फ 50,000 रुपये मिले हैं? और आपका नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ 12 से 13 लाख का। 12 से 13 लाख का नुकसान हुआ। तो अभी भी जैसे इस इलाके में काफ़ी मतलब मिक्स पॉपुलेशन उस तरह से है, या लगभग बटा हुआ ही है हिंदू मुस्लिम से, पूरा मिक्स क्या कहें कि बटा हुआ है, तो अभी क्या माहौल अभी भी तनावपूर्ण दिखता है? लगता है माहौल ऐसा, इसी डर के कारण हम दोबारा पार्किंग नहीं चला रहे हैं। अब धीरे छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई आ जाता है तो ठीक रहे तो। अच्छा, इसको अपने शादी ब्याह के लॉन के रूप में जो है डेवलप कर दिया है, तो किसी तरह से जो है रिकवर कर पाए या कुछ ऐसा चीज़ पे नुकसान जो हुआ है। तो क्या अभी भी मतलब तनावपूर्ण, जो मुझे किसी ने बताया कि जो है खासतौर से जुमा वाले दिन जो यहाँ पे उस तरह का होता है, फोर्स भी होती है ऐसा कुछ? हाँ जी होती है। तो क्या मतलब क्या महसूस करते हैं, क्या लगता है? डर तो रहता ही है, कभी भीड़ कभी भी हो सकता है कुछ भी। 26 जनवरी को लगा लाल किला दंगा हुआ है, तो शायद कभी यहाँ ना आ जाए वो आज। अच्छा, इसलिए इसी डर से हम, डर तो है। और कभी कोई आपको धमकी उमकी मिली इन पूरे साल भर के दौरान, एक साल पूरा बीत गया? अभी तो ऐसी धमकी नहीं मिली हमें। तो किसी ने कुछ कहा कि आप इसके बारे में मत बोलिए, उसके बारे में नहीं बोलिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो जब आपका नुकसान हुआ तो उसमें आप किसी को पहचानते थे, या जो भी यहाँ पे था किसी ने बताया कि कौन लोग थे? सब मास्क पहन कर आए थे, रुमाल बांध कर आए थे। 2,500 लोग की भीड़ थी। 2,500 लोग थे उस वक्त जब आए थे? बिल्कुल, डंडे रोड, कुछ तलवारें लेकर आए, कुछ कुछ लेकर आए। लगभग ये पिछले साल 24 तारीख को हुआ था, तो कब उसके बाद कितने बजे का समय रहा होगा, अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? देखो 24 तारीख को शाम को 5-6 बजे से करीब। अच्छा, उस समय भयंकर शुरू हुआ था। तो एक दिन पहले लूटपाट हुई थी गाड़ियों में। अच्छा, एक दिन पहले लूटपाट भी हो गई थी गाड़ियों में, शीशे तोड़े गए थे उससे, गाड़ियों से कीमती सामान निकाले गए थे। अच्छा, वो सब लेकर चले गए? लेकर चले गए। फिर अगले दिन ज़्यादा भयंकर हुआ था। अच्छा, राजधानी स्कूल से बोतलें आई थी पेट्रोल पंप की। अच्छा, राजधानी स्कूल से? जी जी। वहाँ से क्या सीधे ऐसे बाहर से आए थे अटैक किए थे? ये बिल्डिंग, इसके पीछे साइड बिल्डिंग है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो सीधे फेंक रहे थे। अच्छा, गुलेल से? गुलेल से भी, और पेट्रोल पंप। अच्छा, सीधे फेंक रहे थे राजधानी से। तो आप लोगों ने जब अपना FIR वगैरह किया होगा तो राजधानी के स्कूल के बारे में या इन सब के बारे में तो लिखा है? हमने किसी को टारगेट किसी को नहीं लिया। अच्छा, आपने FIR नहीं? हमें रहना ही है, FIR की है हमने, अपने नुकसान की FIR की है। अच्छा, नुकसान के लिए किसी को हम एकदम कह दें कि भाई राजधानी स्कूल का मालिक जिम्मेदार? नहीं, हम कह नहीं सकते कौन जिम्मेदार है, क्योंकि मास्क लगा के आए क्या? हाँ, एक तरह से हमें तो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए थे, उसके बाद क्या हुआ है कुछ नहीं पता। अच्छा, हम 3-4 दिन तक यहाँ आए नहीं। तो कितना समय लगा मतलब आपको उस चीज़ से निकल पाने में या रिकवर करने में? पूरा साल लगा जी। पूरा साल लगा? पूरा साल। तब अभी ये लोन वगैरह कब खोल पाए आप? ये लास्ट मंथ से स्टार्ट किया। अच्छा, जनवरी से स्टार्ट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ थे गजेंद्र जी। ये शिव विहार का वो एरिया है, राजधानी पब्लिक स्कूल के जस्ट थोड़ा सा बगल में, राजधानी पब्लिक स्कूल्स के जो गुलेल लगी थी, उस गुलेल से आसपास के ऐसे एक दो लॉन है जहाँ पे पूरा ठीक ठाक नुकसान हुआ था। पेट्रोल पम्प फेंके गए थे, तेजाब फेंका गया था, और बाकी बाहर से भी लोग तलवार वगैरह लेकर आए थे। तो और एक साल के बाद भी हालात बदले जरूर हैं, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। ओपन इंडिया के लिए रवि अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो।